और टाइगर जो है फिर कोई परिंदा जो है वो पकड़ कर खा रहे हैं। फिर इसने कुछ पकड़ा, ओ ओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, छोड़ा बंटी लेके जा रही है यार। तो भाई ये बहुत खतरनाक हो गए हैं और इसके पिंजरे के अंदर कोई भी परिंदा आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, ये उसको पकड़ के खा लेते हैं और पूरा चीरफाड़ कर देते हैं। उई 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 यार, कितना प्यारा इसका कलर है, जबरदस्त यार। रिजवान इसको बाहर से निकाल, बाहर से निकाल, अरे यार ये तो मेरी नजर अभी पड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आया कहाँ से भाई? इंस्टाग्राम पे आपको किसी ने मैसेज किया? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तो भाई मुझे कुछ दिनों पहले ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि हम जो है ना ये वाला जो अमेरिकन केवी है ना वो देना चाह रहे हैं, किसी लड़की ने मैसेज किया था। तो मैंने उनको हमारे ज़ू का एड्रेस सेंड किया था, फिर उन्होंने इसको जो है हमारे ज़ू पर ड्रॉप कर दिया था। तो ये आ गया था, लेकिन मैं आपको व्लॉग में दिखाना भी भूल गया था और मैं इसके बारे में बताना भी भूल गया था। तो ये यार इसको ज़रा नीचे छोड़ना यार। अरे यार ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा मस्त कलर, बहुत प्यारा कलर है यार इसका दाऊद। बिल्कुल बहुत प्यारा है, एक साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा। या एक मिनट इसको करीब करना दाऊद, करीब करना। ओए भागा 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 दाऊद, ये तो बहुत एक्टिव है, लेकर आना, चिल्ला रहा है, इधर रखना, इधर लगना। तो ये एक साइड से जो है इसको देखते हैं, तो ये ट्रायो कलर है, मतलब व्हाइट ब्राउन और ब्लैक है, और दूसरी साइड से घुमाते हैं तो ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। वाह यार वाह 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 वाह, तो 2-in-1 इसका कलर है दोस्तों। ये ट्रायो भी है ब्लैक एंड, छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। इसका नाम क्या रखें यार, ये तो कितना क्यूट है यार, बड़ा ही मजे की चीज़ है यार दाऊद। ये तो यार ये तुमने रिजवान छुपा के क्यों रखी थी, मुझे बता क्यों नहीं रहे थे? रखा था आपको, मैं बता रहा आपको टाइम ही नहीं था, आप आगे पीछे जा रहे थे। अरे तो भाई वैसे सारी चीज़ें फालतू आगे चीज़ें मुझे बताते हो, ये हो गया वो हो गया यू हो गया, ये काम की चीज़ नहीं बता रहे हो। सरप्राइज देना चाह रहा था, सरप्राइज सरप्राइज देना चाह रहे थे, सरप्राइज। यार इसका नाम क्या रखें दाऊद? इसका नाम आप बताएं यार, अगर ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट होता ना तो मैं इसका नाम रखता ओरियो, ओरियो सही है। अब ये है ट्रायो, तो इसका नाम हम ट्रायंगल रख दें क्योंकि तीन कलर का है, क्या ख्याल है? वाइट ब्लैक और ब्राउन, ट्रायंगल नाम रख दें। नाम टिंगू ना रख दें, टिंगू तब रखते हैं जब ये छोटा होता है। ट्रायंगल मतलब तीन एंगल वाला, दो एंगल से इसको देखते हैं तो अलग कलर, एक उधर से अलग कलर, ट्रायंगल नाम रखते हैं, सही है? डन हो गया, इसको ज़रा रखो यार, इसको ज़रा रखो। और अभी दोस्तों जब रेप्टाइल रूम आ ही गए तो काफ़ी दिनों से हमने हमारा वो छोटा वाला टर्टल नहीं देखा है, उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। वो जो हमारा निंजा था वो अभी कैसा हो गया यार? चलो निंजा को निकालते हैं यार, यहाँ पर रहता है वो। आ गया निंजा भाई हमारा, यार इसको थोड़ा सा बाहर लेकर आते हैं इसको भी ना, यहाँ पर अंधेरा है। चलो आ गया भाई, तुम नहीं उठाओ, तुम्हारे हाथ पे लगी है फिर तुम्हें इन्फेक्शन होगा जाओ, और तुमने पट्टी भी नहीं लगाई है। जाओ तुम पकड़ो एक मिनट, मैं ज़रा शूट करना है मैंने। ये हमारा निंजा आ गया है और ये बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन पहले से काफी बड़ा लग रहा है। सर निकाल, हाँ निकाल लेना सर, पहले से काफी बड़ा बड़ा लग रहा है और इसका शेल दोस्तों पहले से ज्यादा हार्ड हो गया है और इसके नीचे मजे मजे के डिजाइन से बन गए हैं जो कि बड़े ही खूबसूरत से हैं। जब ये गर्दन निकालेगा तो आपको पता चलेगा इसके गालों के ऊपर एक लाल कलर का निशान है, जो कि ये निकली, निकाला 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 भाई, निकालो। ये बहुत चालाक हो गया, ये पहले देखता है आसपास ना कोई है, कोई अननोन बंदा, जैसे कि आज ये वाले जो भाई हैं ये इसको आज पहली दफा दिखे, तो ये निकाल निकाल लिया। अभी एकदम से बेटा ऐसा शपाटर हो के भागेगा ना, ये देखो गाल पे इसके निशान देखो, ऐसा भागेगा दाऊद, ये नीचे गिरेगा, मैं बता रहा हूँ। इसको इसको ऐसे शैल को पकड़ लो, ये भाग जाएगा। और पता ही क्या सबसे क्यूट क्या है, इसकी एक छोटी सी दुम है, ये रही इसकी एक छोटी सी टेल है, छोटी सी दुम है। तो निंजा को वापस रख के आओ यार, बस मैंने देखना था और दिखाना था हमारे व्यूवर्स को कि कैसा हो गया। रिजवान जो है छिपकली निकाल के बैठा, भाई डर रहा है, क्यों डर रहे हो भाई? नहीं ये खतरनाक है यार, बहुत कहाँ कहाँ मारती है, डेंजर है, हाँ पीछे ओ उधर से चाचा डर गए यार, चाचा उधर से आवाज लगा रहे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई, ये जो है वो रिजवान अपने दोस्त को इगवाना से डरा रहा था। अबे तुम्हारे क्या रिजवान भाई, सारे दोस्त ऐसे ही है क्या? सब डर हो गए यार, डपरोक है डपरोक। चलो चलो इसको रख दे, नहीं कर यार भाई उस चक्कर में, डराने के चक्कर में अगर ये भाग गया ना इसको हम कार ढूंढेंगे, इसको रख दे यार। अब इससे पूछे अब इसकी उंगली में दर्द नहीं हो रहा भाई? ये क्या कह रहा था कि ये कर रहा है नाटक, मुझे पता है क्रोकोडाइल ने काटा है, वो तो मुझे भी काटा है, वो तो मुझे भी बहुत दफा काटा है, लेकिन इतना कोई नाटक, एक दो दांत लगे और रिजवान के। हाँ दाऊद ऐसे ही बैठ गया, छुट्टी चाहिए।
नाटक कैसे। अब फिर नौटंकी शुरू हो गई भाई, गुलाब वाली टी शर्ट पहन के घूम रहा है, खुद गुलाब का फूल बन गया। हाँ तो पता है भाई, तीनों भी तुझे देख के सोचता होगा कि मैं किसके पास आके रह रहा हूँ यार। हाँ ग्रीनो माशाल्लाह निकालना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारा डायनासोर बनता जा रहा है ये। वाह 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 वाह, उसके नेल्स काट लिए थे ना जी, तभी इतने आराम से उठा रहे हो, वरना इतने पंजे चुभोता है इतने। भाई तुम फिर आ गए हो, फिर ये तुम्हारे पीछे भागेगा, फिर तुम मेरे पास आओगे। मुझे तो डर लग रहा है तुम गिर नहीं जाओ। रखा है इसने दूसरा बड़ा वाला निकाल लिया भाई। वो आ रहे पीछे से आ रहे रिजवान। क्या हुआ क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ? ये तो नीचे करो, नाड़ा दिख रहा है, नाड़ा दिख रहा है। क्या कुछ खबरी आ गई, नाड़े को छोड़ो यार। क्या हुआ उए, बतक के बच्चे दोबारा से कौन से वाली बतक के निकले? उधर जो हमने नया केज बनाया था। हाँ 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 हाँ, तो यार वहाँ तो कोई बतक अंडों पे नहीं थी। थी वो जो हमने पत्थरगढ़ नहीं था बनाया यार उनका घर। अच्छा तो वो जो दोस्तों हमने एक व्लॉग बनाया था जिसके नाम उसके पत्थर के घर बनाए थे, तो उसके नीचे जाके किसी बतक ने अंडे दिए हुए थे। चले तो अभी कितने निकले, ये दो ही है? जी जी दो है। वाह यार माशाल्लाह, तो तुम उधर क्या कर रहे थे यार? उधर लेके जा रहा था आपको, देख लिया मैंने। चलो चलो इसको रख करो, उसको रख करो, फिर वहाँ जाके चेक करते हैं। ये हमारा बतक का बच्चा। चाचा को नहीं, मस्ती मजाक नहीं किया करो। एक मिनट मुझे हाथ में दिखाना जरा, बिल्कुल ठीक है ना? ये कोई बीमार बीमार तो नहीं? और ये कितने छोटे छोटे से, इनकी तो आँखें ऐसा लग रहा है अभी अभी खुली है। कितने प्यारे प्यारे हैं देखो। चाचा तुम्हें कह रहे हैं हाथी का बच्चा, छोड़ो यार इनको। तुम भी बेटा इसलिए कहता हूँ, मजाक उतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। चलो जाओ रखो, और आ जाओ उधर फिर बतक वाले पिंजरे में आ जाए भाई। तो हम चल रहे हैं बतख के पिंजरे में, और डक का जो केज था वो हमने अलग कर दिया था। और डक से याद आया कि हमारे जो पहले जो बच्चे पैदा हुए थे ना, वो पूरे के पूरे डक्स बन चुके हैं, वो ये रहे। तो इनको हमें शिफ्ट भी करना है, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो हमने रखे हैं दूसरे केज के अंदर। और वहाँ पर हमने क्या किया था कि पत्थर के और दूसरी पुरानी चीज़ों से हमने पूरा डक्स का केज सेट किया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप हमारा व्लॉग अगर डेली देखते हैं ना, तो आपको पता होगा कि हम कब क्या करते हैं, वरना आप सारे सवाल ही करते रह जाते हैं कि जिम्मी भाई इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ। तो भाई डेली व्लॉग देखें। और अभी जो पीछे आपको आवाज़ आ रही है ना, ये हमारी घास कटने वाली मशीन की आ रही है, तो उसको इग्नोर करें। मैं इसीलिए लाउड बोल रहा हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ समझ में आ जाए। हाँ भाई थोड़ा तेज़ चल लो यार, थोड़ा तेज़ चल लो यार। रिजवान साहब इसको बहुत मस्ती है यार, आज रिजवान को बहुत मस्ती है। क्या कह रहे हो? हाँ ये फिर शुरू हो गया, फिर तुमने पोनी को पोनी घोड़ों को फिर तुमने पोनी गधा बोलना शुरू कर दिया। हाँ फिर अभी मैं बख्श को बोलूंगा ना, फिर वो तुम्हारे पीछे लगेगा, फिर शिकायत करने के लिए मेरे पास आओगे। बोला नहीं नहीं पोनी गधे, तुम लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हो भाई। ये इसका जो ना कोई यार, मैं आज ये क्या कोई खाने के अंदर कोई चीज मिलाई थी आज, ये सबको मस्ती क्यों चढ़ी? भाई जा नीचे आ जा, रिजवान गिरेगा यार। हजूर ऐसे डंडे पे छुरी उरी बांध के फिर उतार लो। मामा इसको छोड़ो यार। ओ मामा, दोनों ने आज कोई एनर्जी ड्रिंक पिए क्या भाई? अरे चाचा लग जाएगी, चाचा बहुत ऊंचा दरख्त है चाचा। चाचा कुत्ते भी मना कर रहे हैं, भोग रहे वहां से। नहीं कर चाचा, नहीं कर, शादी तो बेश की है। अरे चाचा लग जाएगी, नीचे आ जाओ, नीचे खजूरें उतरवा देते हैं, छोड़ो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो देखो वहां से हमारे सारे जर्मन शेफर्ड सारे डॉग भी भोंक रहे हैं कि क्या हो रहा है। भाई ऊपर नहीं जाते चाचा, ये हमारा रिजवान तो पागल है यार, इसको छोड़ो आप। भाई जो काम करने हैं वो कर लें, या आपने मजाक मस्ती करनी है ये बताओ? काम करते। और अगर आपने अब पोनी घोड़ों को पोनी गधा बोला तो अच्छा नहीं होगा। दिखाओ कहाँ अंडे दिए, मेरे साथ तो इधर ही दिए होंगे कि ये नजरों में नहीं आती जगह। हाँ माशाल्लाह हमारी बत्तखें तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कितनी सारी बत्तखें हो गई हैं, और ये आपस में ब्रीड करती रहती हैं, बच्चे बड़े होते रहते हैं, तो काफी दिखाना इसके नीचे दिए। हाँ यहाँ से मिले वो अंडे पड़े हुए नीचे। चलो गुड हो गया, फिर इसको नहीं छेड़ते और भी बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओए माशाल्लाह 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 यार, इसकी थोड़ी सी ना सफाई और ज़्यादा की नीड है हमें, ये बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी करती है, तो हम इसकी सफाई जितनी भी कर लें ये और गंदा करते रहती है। तो चले दोबारा से इसकी सफाई अभी करा लेंगे। उन बत्तख के बच्चों को फ़िलहाल हम रखते हैं ब्रूडर के अंदर, उसकी केयर करेंगे, और जो बड़े वाले जो बच्चे हो गए ना उनको हटाने हमें यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ उस केज के अंदर
एक नया जानवर हम लाएंगे, तो वो आपने बताना है कि वो कौन सा है, वो कौन सा है, वो कौन। जब मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जिमी भाई आपके जू में कबूतर नहीं है क्या, तो भाई ये देखिए हमारे जू के अंदर बिल्कुल कबूतर हैं और वो बहुत सारे हैं। अभी मैं बच्चे भी पैदा हुए हैं भाई कबूतर के। वाह यार, लेकिन ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, ये नीचे कैसे आ गए यार? गिर गए होंगे घोंसले से, है ना? और नीचे इनके माल पे इनको पालते हैं। हाँ तो कबूतर तो भाई बहुत सारे हैं, बहुत। ये देखें कितने सारे कबूतर हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी दिन इस केज के अंदर जाके मैं आपको पूरी कलेक्शन दिखाऊंगा। मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता, वो आप लोग बताएंगे कि इनके क्या क्या नाम है। क्या कह रहे हो भाई? क्रोकोडाइल आज बाहर निकला हुआ पानी का। एक काम करें रिजवान साहब, आपको एक लंबी छुट्टी का इरादा अगर हो ना, तो फिर आप अपना हाथ जाएं उधर भी डाल दें, फिर रोते रहना कि जो है ओए आज क्रोकोडाइल बाहर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज ये क्रोकोडाइल बाहर है यार। इसने पूरी अभी ना आंखें ऐसे खोल के हमें देखा भी। उई हुई हुई यार, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई है। इसके पंजे देखो, इसके दांत देखो, शुरू के दो दांत तो ऐसा लग रहा है कि इसके जबड़े से बाहर आ गया बिल्कुल, है ना? सही सवाल करने इसके दांत आगे वाले कितनी हेल्दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इसको भी अभी हमें कुछ ना कुछ अभी जना अलग से इसको खिलाना होगा। वैसे तो इसको हम मछलियाँ खिलाते हैं, लेकिन अभी इसके लिए कोई मुर्गा शुरगा बड़ा लाना पड़ेगा। चलें तो फिर आने वाले व्लॉग्स के अंदर जो है हम आपको इंशाल्लाह इसकी फीडिंग भी दिखाएंगे क्रोकोडाइल की। हम कहीं से बाहर से बहुत सारी चिकन खरीद के लाएंगे और चिकन को हैंग करेंगे और फिर इसके ऊपर रैप कर जाए ऐसा करके अटैक करेगा, वो भी आपको दिखाएंगे हम। और टाइगर जो है फिर कोई परिंदा जो है वो पकड़ कर खा रहे हैं पिंजरे के अंदर। ओए 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 ओए, फिर इसने कुछ पकड़ा। ओए ओए ओए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, छोड़ो बंटी बंटी, छोड़ो छोड़ो। ओए होए 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 बंटी, आए हाय यार। नहीं नहीं, ये बबली है यार, लेके जा रही है यार। अब वो कौवे ऊपर से देखे कितना काँव काँव कर रहे हैं, कौवे वो खा रही है यार। खतरनाक हो गई है भाई ये। अबे यार दाऊद, ये देख यार, हम यार दो मिनट दोबारा लेट हो गए। अब ये भी खड़ा हुआ है, ये मेरी समझ से बाहर है। एक मेरी चीज समझ नहीं आती। मारो एक बात बता, ये पिंजरे के अंदर से कौवे आते कहाँ से? ये यार समझ बाहर है, कहाँ से घुस जाते हैं पता ही नहीं लगता है, है ना? तुम्हारे हिसाब से मुझे लगता है ऊपर है, ये देखें घोंसले इसका बना हुआ। एक मिनट वो देखें ऊपर, हाँ ये नजर आ रहा है। अच्छा हो सकता है, हाँ ये बिल्कुल हर बार जो ये कौवे पकड़ रही होती है मेजोरिटी बच्चे ही होते हैं, तो यहाँ से ये बच्चे गिरते होंगे इस केज के अंदर और फिर लुढ़क लुढ़क के ये जो ऊपर जाली है इससे यहाँ नीचे गिरते हैं और ये टाइगर इनको उठा के ले जाते हैं। और हर बार भाई टाइगर जो है वो कोई ना कोई जो है ना कौवा कबूतर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पकड़ के हमारा खा लेता है। तो भाई ये बहुत खतरनाक हो गए हैं और इसके पिंजरे के अंदर कोई भी परिंदा आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, ये उसको पकड़ के खा लेते हैं और पूरा चिरफाड़ कर देते हैं भाई। फुल हैवान अभी तक वो लगी हुई है। और मैंने एक बात देख ली है कि जो बबली है ना वो बंटी से ज़्यादा खतरनाक हो गई है। ये जो है ना किस तरीके से पूरे पर वर निकाल के फिर खा रही है, मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है। फ़ौरन से शिकार पकड़ के जो है अपने नाइट रूम में ले गई है। ओए होए 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 भाई, इसने आखिर जो है वो परिंदे का बुरा हाल कर दिया यार। बचने का तो चांस ही नहीं, हम चाह के भी जितनी देर में हम नाइट रूम से जाके लेते हैं ये तो पूरा खा पूरा पूरा तब तक मार ही देती है। तो परिंदे ने यहाँ से ही कर दिया उसको, यहीं से हाँ कर दिया एक ही झटके में। भाई कैमिलियन को भी अब हम अंदर रख रहे हैं, पूरा दिन इसको धूप वूप लगा दी थी। तो मुझसे सब सवाल कर रहे थे यार ये क्या गिरगिट है, तो भाई असल गिरगिट यही होता है। और जिस छिपकली को आप नॉर्मली दरख्तों पे और पौधों पे देखते हैं वो जो है वो कुछ वो ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड होती है, उसे गिरगिट प्योरली हम नहीं कह सकते। तो असल गिरगिट तो यही वाला है। और इसको छोड़ते हैं इसके घर के अंदर, चलो जी बाय बाय। तो भाई यहाँ पर हमारा व्लॉग जो है वो आज एंड हो रहा है। आपने कमेंट में बता देना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो शेयर कर दे रहे हैं और सब्सक्राइब तो पहले कर दो यार। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।